subscribe to Nykaa TV and press the bell icon to make sure you never miss an update from us. आज हम बात करेंगे कलर करेक्टर्स की और मैं आपको बताऊंगी कौन सा करेक्टर आपके लिए करेक्ट है। कलर करेक्टर्स के बारे में आप में से कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं। आप में से कुछ लोगों ने कलर करेक्टर्स को मैगजीन्स या कॉस्मेटिक शॉप्स में देखकर सोचा होगा कि लाल हरी पीली चीजों को हम चेहरे पे कैसे लगा सकते हैं, कितना फनी लगेगा ना। मेरा भी पहले यही ख्याल था, बट डोंट वरी, आज मैं आपको कलर करेक्टर्स के बारे में बिल्कुल करेक्ट जानकारी दूंगी। कंसीलर्स के बारे में तो हम सभी को पता है, एक मैजिकल प्रोडक्ट जो हमारे दाग धब्बों और डार्क सर्कल्स को छुपाता है। लेकिन हमारे चेहरे के कुछ दाग धब्बे इतने जिद्दी होते हैं कि वो रेगुलर स्किन टोन वाले कंसीलर से नहीं छुपते। अब कंसीलर्स अलग अलग रंगों में आते हैं, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज, येलो एक्सेट्रा, और इन्हें कलर करेक्टर्स कहते हैं। हर एक रंग का करेक्टर आपकी त्वचा के स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बना है। कलर करेक्टर्स को समझने के लिए हमें कलर्स को समझना होगा। किसी ने सच ही कहा है, मेकअप एक आर्ट है। और आज हमें अपने आर्ट क्लास में सीखे हुए कलर व्हील को याद करना होगा, जहां हमने सीखा था कौन सा कलर कौन से कलर को कैंसिल करता है। जो कलर्स व्हील में ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये देखिए, लाल के बिल्कुल ऑपोजिट में है हरा रंग, तो हरे रंग का करेक्टर आपके चेहरे के रेडनेस को कैंसिल करेगा। आप इसे नाक के आसपास के एरियाज पर लगा सकते हैं या उन हिस्सों पर जो सनबर्न या स्किन एलर्जी के वजह से लाल हो गए हैं। इसी तरह येलो और ब्लू या पर्पल एक दूसरे के ऑपोजिट है और वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि करेक्टर्स कैसे काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रंग का करेक्टर कौन सी स्किन प्रॉब्लम के लिए सही है। अगर आपके चेहरे पे डार्क सर्कल्स या डार्क स्पॉट्स है तो आप उन हिस्सों पर ऑरेंज करेक्टर लगा के उन्हें छुपा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर कील, मुहासे और उनके दाग, रेडनेस या सनबर्न है तो आप उन हिस्सों पर ग्रीन करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सब छुप जाएगा। अगर आपके चेहरे पर ब्लूइश डार्क सर्कल्स और डलनेस है तो आपको ऑरेंज करेक्टर में येलो करेक्टर मिलाकर लगाना चाहिए, इससे आपका चेहरा ब्राइट लगेगा। अगर आपके चेहरे के कुछ हिस्सों पर पीले धब्बे हैं या आपकी स्किन टोन हल्की सी पीली है तो आप पर्पल करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कलर करेक्टर प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। LA Girl Pro Conceal HD के पिंक, ऑरेंज, ग्रीन और येलो करेक्टर चेहरे में बहुत इजीली ब्लेंड हो जाने वाले करेक्टर है जो बहुत हल्के और क्रीमी है और चेहरे के डार्क सर्कल्स, रेडनेस और अनइवन स्किन टोन को कवर करके आपको एक नेचुरली स्मूथ दिखने वाला लुक देते हैं। इसकी सॉफ्ट ब्रश टिप की मदद से आप इसे इजीली लगा सकते हो। ये बेसिक ऑरेंज, ग्रीन, येलो शेड्स के अलावा और भी कई शेड्स में आता है, तो आप अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से इनमें से अपना करेक्टर चुन सकते हैं। अब बात करते हैं नायका की स्किन जीनियस कलर करेक्टर पैलेट के बारे में। इस पैलेट में 6 करेक्टर्स हैं, जो आपकी सभी स्किन प्रॉब्लम एरियाज पे काम करके आपको एक स्मूथ फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन देंगे। इसकी एक और खासियत ये है कि आपको अलग अलग करेक्टर्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी, आपको एक ही पैलेट में सारे जरूरी शेड्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं वेट एंड वाइल्ड कंसीलर व्हील की। ये व्हील जैसा दिखता है और इसमें 4 बेसिक करेक्टर शेड्स हैं और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इसे आप आसानी से पर्स में लेकर घूम सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की एक और हाईलाइट है, इसकी कीमत। ये पूरा पैलेट आपको 450 रुपए में मिल जाएगा। अब बात करते हैं निका के करेक्टर एंड कंसीलर के बारे में। ये एक ऑल इन वन कलर करेक्टर कंसीलर है जिसके 6 शेड्स में आपको कंसीलर और करेक्टर्स दोनों मिल जाएंगे। ये भी ट्रैवल फ्रेंडली है और इसकी एक और खासियत है कि ये हर स्किन टोन को सूट करता है। करेक्टर्स को हमेशा प्राइमर के बाद और फाउंडेशन से पहले लगाना चाहिए। साफ चेहरे को टोन और मॉइस्चराइज करने के बाद प्राइमर लगा लीजिए ताकि आपकी त्वचा और फाउंडेशन के बीच एक प्रोटेक्टिव लेयर हो। सारे करेक्टर्स को लगा देने के बाद उसे ब्यूटी ब्लेंडर से पैट कीजिए। इन्हें चेहरे पे रब नहीं करना है, करेक्टर्स चेहरे से हट जाएंगे। इन्हें इस तरह पैट कर करके ब्लेंड करना है। देखिए किस तरह ब्लेंड हो गए और चेहरे के सारे दाग और डार्क एरियाज भी छुप गए। अब आप स्किन टोन से एक टोन हल्का कंसीलर अपने प्रॉब्लम एरियाज पर लगाएं, इससे वो और भी अच्छी तरह से छुप जाएंगे और चेहरा ब्राइट लगेगा। अब चेहरा फाउंडेशन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से करेक्ट तरीके से करेक्ट करेक्टर लगाने से चेहरे के सारे दाग धब्बे छुप जाएंगे और चेहरा बिल्कुल स्पॉटलेस और स्मूथ लगेगा। देखते रहिए नायका ब्यूटी डायरीज। आखिर ब्यूटी का सवाल है।